नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल 19 दिसंबर 2013। आज हम पत्री जी द्वारा दिए गए 2 दिन के संदेशों को जानेंगे और समझेंगे। पहला संदेश है, हम सब सह सृष्टि करता हैं। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। आज हम गॉड शब्द को बदलकर उसकी जगह को क्रिएटर बोलेंगे। को क्रिएटर कौन है? यहाँ सितार, वायलिन, तबला, मृदंगम सब कुछ है। अभी 3 घंटे हमने मिलकर नाद संगीत का सृजन किया है, को क्रिएट किया है। को क्रिएटर अर्थात मिलकर सहयोग से सृजन करना। हम सब सह सृष्टि करता हैं। जैसे हम चारों संगीतज्ञ मिलकर प्रातः संगीत का सृजन करते हैं, हमें पता नहीं हम क्या बजाएंगे, पर मिलकर हम एक दूसरे के सहायक बनकर संगीत का सृजन करते हैं। हम सब ने मिलकर एक महान संस्था की स्थापना की है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हम सब महान सह सृष्टि करता हैं। हमें बार बार ये समझना है कि हम सब एक होकर सब मिलकर एक नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। जैसे एक स्त्री पुरुष मिलकर एक बच्चे का सृजन करते हैं, हम सब इसी तरह से सह सृष्टि करते हैं। हमें इस शब्द का विस्तार से प्रचार करना है, इस को क्रिएटर शब्द का उपयोग करना है, समझना है। हमें सह सृष्टिकर्ता शब्द को समझना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हम सब भगवान हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स। आज के बाद हम भगवान शब्द को इस्तेमाल नहीं करेंगे। भगवान सृष्टिकर्ता और सृजनकर्ता है, हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं। क्रिएशन अर्थात सृष्टि, जो पहले नहीं है अभी आविष्कार करना ही सृष्टि है। हमें कुछ नया करना है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर को क्रिएटर्स। भगवान एक प्राचीन धार्मिक शब्द है। भगवान कहा तो सब सोचते हैं भगवान तो ऊपर है, हम कहाँ भगवान हैं। आज से हम नए तरीके से सोचना बोलना सीखेंगे। भगवान एक धार्मिक शब्द है, हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं। सह सृष्टिकर्ता एक वैज्ञानिक शब्द है, हम सब आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं। हम सब फ्रेंड्स हैं, मास्टर्स हैं, को क्रिएटर्स हैं। सितार के मास्टर, वायलिन के मास्टर, तबला के मास्टर, इसी तरह पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हमने पिरामिड का आविष्कार किया है। आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में पिरामिड बनवाए हैं। हम सब पिरामिड मास्टर हैं। आज ध्यान महाचक्र का पहला दिन है। प्रत्येक दिन हम एक एक विषय को समझेंगे। जैसे अगर मुझे पिरामिड बनाना है तो उसके लिए एक इंजीनियर चाहिए और पिरामिड का नक्शा चाहिए, बनाने के लिए मजदूर और वास्तुकार आदि चाहिए, तभी पिरामिड बनेगा। पिरामिड बनाने के लिए धन भी चाहिए, सब सामग्री चाहिए, तभी पिरामिड बनेगा। हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं, हम सब मिलकर आविष्कार और निर्माण कर रहे हैं। अगर मुझे बात करने के लिए माइक चाहिए तो उसके लिए बिजली के बिना माइक कैसे चलेगा? माइक चाहिए, तार चाहिए, माइक में करंट चाहिए, तभी माइक चलेगा।
ये सब सहस्रजन है। अगर बिजली नहीं है तो क्या आप मुझे सुन पाएंगे? करंट ना होने से आप मेरी बात नहीं सुन सकते, करंट होने से ही आप मेरी बात सुन सकते हो। ध्यान महाचक्र में आए सभी लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं। ये सह सृष्टि है, जैसे सितार बजाने के लिए सितार चाहिए, सितार बजाने वाला चाहिए, सितार बनाने वाला चाहिए। ये सितार अपने आप आकाश से उतर नहीं आया, बहुत लोगों ने मिलकर इसका सृजन किया है। जिसने सितार बनाया है उसको धन्यवाद। ये माइक किसी ने बनाया है, मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। मेरी एक कमीज बनाने के लिए कपास चाहिए, उससे कपड़ा बुनने के लिए जुलाहा चाहिए, कपड़ा रंगने के लिए एक रंगरेज चाहिए, कमीज सीने के लिए दर्जी चाहिए, तभी एक कमीज बनती है। ऐसे ही हम सब सहभागी, सहसृष्टिकर्ता, सहकर्मी मिलकर धरती पर काम कर रहे हैं। सृजन करना हमारा मूल तत्व है। पिरामिड सोसाइटी के सब मास्टर्स ने मिलकर ध्यान महाचक्र का सृजन किया है। स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, वह भी सहसृजन करती है। हम सब सहसृष्टिकर्ता हैं। हमें ये समझना है, सृजन करना हमारा मूल स्वभाव है। हमें सृजन करते ही रहना है। नया सृजन करने से कभी अपस्वर आते हैं, कभी सुस्वर आते हैं, लेकिन फिर भी करते करते सुस्वर आ जाते हैं। पुराने जमाने में हवाई जहाज नहीं थे, राइट ब्रदर्स ने कष्ट सह सह कर हवाई जहाज का निर्माण किया और आज सब उसका उपयोग कर रहे हैं। वे सह सृष्टि करता है। सृजनकार का मुख्य विशेषता निरंतर सृजन है, वह निरंतर सृजन करता रहता है। महेश्वरा महापिरामिड कितना महान सृजन है। यह पिरामिड ध्यान करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली स्थान है। जैसे सितार बजाने में जन्म जन्म का अभ्यास है, ऐसे ही हर दिन ध्यान करना भी जन्म जन्म का अभ्यास है। हम सब ध्यान के मास्टर हैं। एक सितार का मास्टर है, एक वायलिन का मास्टर है, एक तबले का मास्टर है। मास्टर बनने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। जिन्हें मास्टर बनना है वे अवश्य मास्टर बनेंगे, छोटे या बड़े, पर हमें मास्टर बनने के लिए प्रयत्नशील होना है। हम निरंतर और ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं ध्यान के मास्टर बनने के लिए। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कभी भी पूर्ति नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए कोई समापन बिंदु नहीं है। सुफूर्ति तो है, पूर्ति नहीं है। सुफूर्ति यानी प्रोत्साहन है, पर उसका कोई भी अंतिम छोर नहीं है। हर चीज़ के लिए कोई भी अंतिम बिंदु नहीं है। हम सब ध्यान के मास्टर हैं और उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। सुफूर्ति यानी प्रोत्साहित हैं, पर अंत नहीं है। पिरामिड मास्टर्स घंटों घंटों ध्यान करते हैं। हमें देखकर संसारिक लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। संपूर्ण विश्व एक दिन ध्यानी बनेगा। हर व्यक्ति ध्यान का मास्टर बनेगा। जो लोग ध्यान नहीं करते वे भी हमसे प्रेरणा लेकर ध्यान करेंगे और मास्टर बनेंगे। संगीत सीखने में कष्ट है, वायलिन सीखने में कष्ट है, ध्यान करने में कोई कष्ट नहीं है। कोई भी छोटा बड़ा ध्यान कर सकता है। पूरा विश्व एक दिन ध्यानी बन जाएगा। हर व्यक्ति ध्यान का मास्टर बनेगा। हम सब सहसृजन करता है, सहसृष्टि करता है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। हम किस प्रकार सहसृष्टि करता है? और एक अद्भुत बात जो पत्री जी ने आज बताई
कि भगवान शब्द एक धार्मिक शब्द है और भगवान कहने से लगता है कोई ऊपर बैठा है जो लिख रहा है और उसके अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन जब हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन का सृजन कर रहा हूँ, मैं को क्रिएट कर रहा हूँ, भगवान सृजन करता है और मैं सह सृजन करता हूँ। जैसे एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो सह सृष्टि करती है, इसी तरह पल पल हम सृजन कर रहे हैं। आत्मा का मूल स्वभाव है सृजन करते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहना, कुछ नया करते रहना। और नया करते करते कई बार ठीक नहीं होता, फिर भी करते रहते हैं। आज हम जो इतनी वैज्ञानिक तरक्की देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बार बैठा, उसे विचार आया कि मुझे बल्ब बनाना है तो बल्ब बन गया। नहीं, पूरा जीवन उसमें लगा दिया तब जाके कहीं सफलता मिली। हम जितने भी आविष्कार देख रहे हैं, जैसे पत्री जी ने उदाहरण दिया, आज हम हवाई जहाज में हर जगह सफ़र करते हैं, लेकिन किसी की कल्पना में ये बात आई, किसी के मन में ये विचार आया और उसने निरंतर उसके लिए प्रयोग किए और तभी आज सब लोग उसका उपयोग कर पा रहे हैं। ऐसे ही हर चीज़ का सृजन करते ही रहते हैं, हर समय हम निपुण होने का प्रयास करते ही रहते हैं, इसलिए हम सह सृष्टि करता है। और जब हम सृष्टि करता है, हम सृजन कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी हमारी है हमें क्या सृजन करना है। क्योंकि सृजन दो बार होता है, एक बार मन में सृजन होता है जब हमारे मन में किसी चीज़ को करने का विचार आता है, उसके साथ एक कल्पना बन जाती है, एक चित्र बन जाता है और फिर हमारी पूरी ऊर्जा उसे पूरा करने में लग जाती है। हम घर भी बनाते हैं तो पहले विचार ही आता है और फिर उस घर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हम सब सामान जुटाने लगते हैं। तो हम निरंतर सृजन करते रहते हैं और फिर जो हमने कल्पना की है, जो हमें विचार आया है, उस विचार को मूर्तिमान रूप देने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए, फिर एक बार जो विचारों में सृजन हुआ है वो वास्तविकता में सृजन होता है। तो हर चीज़ का सृजन दो बार होता है और जब हम स्वयं विचारों के माध्यम से सृजन कर रहे हैं तो कौन बैठकर हमारी किस्मत लिख रहा है, हम ही लिख रहे हैं और जो हम लिख रहे हैं वही सृजन हो रहा है। तो इस तरह हम सह सृष्टि करता है। दोस्तों, आज दूसरे विषय के बारे में भी जानते हैं। 20 दिसंबर 2013 ध्यान महाचक्र करताल, ये विषय है सृष्टि एक वृंदावन है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर को क्रिएटर्स, परम सत्य सबको पता भी है और नहीं भी पता है, प्रतिदिन हम सीख रहे हैं। बार बार बोलने से ही समझ में आता है, हमें इस संपूर्ण सत्य को समझना है। ये सत्य क्या है? सत्य अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि एक वृंदावन है, अनेक वृंदवाद्य हैं, हम सबको मिलकर ये वृंदवाद्य बजाना ही है। वृंदावन में गोविंद है। गोविंद कौन है? इस वृंदावन में हर एक व्यक्ति गोविंद है। यहाँ हर कोई एक दूसरे के लिए है। हम यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और पूरी तरह से एक दूसरे के लिए हैं। हम सब यहाँ हर चीज़ में एक दूसरे के साथ साथ हैं। मैं अलग और तुम अलग हो, यहाँ ऐसा नहीं है। ये वृंदावन है, यहाँ सामूहिक जीवन है, सामूहिक सत्य है। हम सब एक दूसरे के सहायक हैं। ये सामूहिक सत्य है, उच्च लोकों में पूर्ण सत्य है, धरती पर थोड़ा असत्य जुड़ गया है। इस असत्य को दूर करने के लिए हम पिरामिड मास्टर्स कार्यरत हैं। उच्च लोकों में लाखों करोड़ों लोग हैं,
और वह सब एक ही सत्य से जीते हैं। उच्च लोकों में वृंदावन ही है, सब वृंदावन जीवन जीते हैं, सब एक ही सत्य से जीते हैं। ऐसा ही हमें धरती पर भी जीना है और हमें सबके लिए एक उदाहरण बनना है। हम धरती पर वृंदावन स्थापित करने के लिए आए हैं। सत्य व्यक्तिगत चेतना में नहीं, सामूहिक चेतना में है। बुद्ध ने हर चीज बताई, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, मगर आत्म सिद्धांत नहीं है। मैं अलग और तुम अलग, ऐसा नहीं है। जब तक सत्य पता नहीं है तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर सत्य पता चल गया तो नाचते गाते जीवन जिएंगे, वृंदावन जीवन जिएंगे। जब पता नहीं तो मारपीट होती है, रक्तपात होता है। जब पता चल गया तो वृंदावन जीवन जीते हैं, वृंद गान गाते हैं। क्या पता लगना है? मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ऐसा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स, को क्रिएटर्स, हमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना है। जैसे पक्षी समूह में रहते हैं, ऐसे ही आत्मज्ञानियों का भी समूह है। जैसे कैलाशपुरी में महान वृंदावन है, यहाँ कोई अलग अलग नहीं है, यहाँ सब एक हैं, सब जीरो हैं। यहाँ एक दो तीन चार पाँच नहीं, सब जीरो हैं। जीरो यानी कुछ भी नहीं है, शून्य है। यहाँ सामूहिक चेतना है, व्यक्तिगत चेतना नहीं है। हमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना है। जीवन समूह में है। पक्षी बड़े बड़े समूह में रहते हैं, पक्षियों के समूह होते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये आत्मज्ञानियों का समूह है। आत्मज्ञान अर्थात जहाँ पर मैं नहीं, यानी मैं अलग तुम अलग, ऐसा नहीं। मैं मन से आया है, आत्मा में मैं नहीं है। मन बोलता है मैं पंडित हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। माय डियर को क्रिएटर्स, हम यहाँ क्या सृजन कर रहे हैं? हम यहाँ वृंदावन का सृजन कर रहे हैं, जो सामूहिक तत्व ऊर्ध्व लोक में है, वह धरती पर लाने के लिए हम सब आए हैं। ये जानकर ही हम धरती पर आए हैं। हम धरती पर क्यों आए हैं? पति पत्नी सब जानकर इस धरती पर आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, जन्म लिया है। ये जानना ही आध्यात्मिक शास्त्र है। हम सब मित्र हैं। मित्रता में मैं और तुम नहीं, हम है। हम मित्रता में मास्टर बनने आए हैं। यही आध्यात्मिकता है, मित्रता में मास्टरी। करण को पता था दुर्योधन सही नहीं है, पर मित्रता के लिए उसने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। कर्ण मित्रता स्थापित करने वाला अति महत्वपूर्ण पात्र है। मेरे पास मित्रता के अलावा और कुछ नहीं है। हम सब मित्र हैं। मित्रता में गुण अवगुण नहीं देखे जाते। एक ही पंख के पक्षियों का झुंड एक साथ रहता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समानता से समानता आकर्षित होती है। जैसे संगीत सीखने वाले अपना समूह ढूंढ लेते हैं, नृत्य करने वाले या ताश सीखने वाले अपना समूह ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही मित्रता करने वाले अपना समूह ढूंढ लेते हैं। ज़्यादा मित्रता करने वाले सब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में आ गए हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में जो आए हैं वे मित्रता सीखते हैं। ऐसा नहीं कि वे मित्रता को जानते नहीं, पर
मित्रता में मास्टर बनने के लिए आए हैं। मास्टर बनने की कोई सीमा नहीं है। पंडित रविशंकर सितार के मास्टर हैं, MS गोपाल कृष्णन वायलिन में मास्टर हैं, अलारखा जाकिर हुसैन तबले के मास्टर हैं। मास्टरी अर्थात सीखना। किस में मास्टरी? ध्यान में मास्टरी नहीं, आत्मज्ञान में मास्टरी नहीं, परस्पर मित्रता में मास्टरी। हमें लगता है हमें आता है, पर जब तक बजाते नहीं तब तक पता नहीं चलता कितना आता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में आने से पहले लोगों को मित्रता का पता है, लेकिन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में आने के बाद ही समझ आता है असलियत में मित्रता क्या है। ये अनंत यात्रा है। सितार बजाने में मास्टरी, वायलिन बजाने में मास्टरी, इसी तरह मित्रता में मास्टरी, ये अनंत यात्रा है। हमें मित्रता में मास्टरी करनी है। मित्रता शर्त के साथ नहीं, निशर्त मित्रता। तृतीय नेत्र, सूक्ष्म शरीर यान, कुंडलनी जागरण, ये मित्रता की शर्त नहीं है। कर्ण ने दुर्योधन के साथ मित्रता की, अश्वत्थामा ने दुर्योधन के साथ मित्रता की। मित्र सुख दुख, मान अपमान, जीवन मृत्यु में साथ नहीं छोड़ते। हम यहाँ मित्रता का अभ्यास करने आए हैं। जो भी हो हमें मित्रता करनी है। मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, मित्रता हमेशा के लिए है। हम सामूहिक एकता का सृजन कर रहे हैं। हम स्वबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं, स्वबोध के लिए सामूहिक चेतना है। इल्यूजन सेल्फ, भ्रमित स्व, जो मैं नहीं हूँ, उसको जानना ही आध्यात्मिकता है। मैं एक भ्रम है। नींद में अंधेरे में देखा तो चोर दिखाई दिया और हार्ट अटैक हो गया, लेकिन जब प्रकाश में देखा तो वहाँ चोर नहीं खंबा था, तो भ्रम टूट गया। जो नहीं है हम उसके पीछे पड़े हैं। जब आप अपनी मैं में हो तो आप किसी से मित्रता नहीं कर सकते। एक परिवार में मित्रता क्यों नहीं है? जहाँ अज्ञान है वहाँ मित्रता नहीं है। जो अज्ञान से ज्ञान में आ जाए वही मित्रत्व की तरफ आता है। हम कितने जन्म पहले ही व्यक्तिगत रूप से आत्मज्ञान पा चुके हैं। अब हम सामूहिक जागरूकता के लिए आए हैं। एक बुद्ध जीसस के घर में पैदा होने से कैसे लगता है, ऐसे ही हमारा PSSM एक वृंदावन है। मैंने बचपन से संगीत सीखा कि मैं संगीतज्ञ बनूंगा, नहीं बना। मैंने सोचा IAS बनूंगा, नहीं बना। वैज्ञानिक बनूंगा, नहीं बना, क्योंकि इसमें मेरा दिल नहीं लगा। मैं मित्रता में मास्टरी करने आया हूँ। हरि प्रसाद चौरसिया बनने नहीं। समान पंखों वाले पक्षी एक समूह में उड़ते हैं। हम सब यहाँ वृंदावन बनाने आए हैं। कितना अद्भुत शब्द है सह सृष्टिकर्ता, वृंदावन, जहाँ हर व्यक्ति गोविंद है। कोई एक गोविंद नहीं, हर व्यक्ति गोविंद है, क्योंकि गोविंद तो हर किसी में है। और जब हमारा भ्रम टूट जाता है, ये पर्दा उठ जाता है आँखों से, आत्मा से, तो हम सही मायने में सत्य को जैसा है वैसा ही देखते हैं। और उसी सत्य को धरती पर स्थापित करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। इस अद्भुत ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को हर पल हम याद रखें, अपने जीवन में इसे उतारते रहें और अपने जीवन को वृंदावन बनाएं। अगले विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।